हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की। तो मॉर्निंग के 9:10:30 हो चुके हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं, फटाफट फ्रेश होते हैं। तो आजकल थोड़ा लेट उठ रहा हूँ क्योंकि रात भर थोड़ा सा मूवी ये सब देखता रहता हूँ, क्योंकि अभी सपने बड़े हैं तो जल्दी नींद भी नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ तो करते रहता हूँ। तो चलते फ्रेश होते से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसा क्या है शेड्यूल। ब्रेकफास्ट करके तो आ चुका हूं, तो अभी थोड़ा सा मैं कुछ मेल बिल भेजूंगा, उसके बाद कुछ व्हाट्सअप करूंगा, उसके बाद फिर अपना मूवी देखने के लिए बैठ जाऊंगा। ऑस्कर अवार्ड विनर, जो बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जिन लोगों को मिला हुआ है, जिन लोगों को ऑस्कर मिला हुआ है, तो ऐसे लोगों की मूवी देखना मैं अभी चालू कर चुका हूँ। तो हर बार कुछ ना कुछ नया मूवी, जो ऑस्कर में बेस्ट एक्टर जो मिला है, बहुत सारे हैं, तो वो सब मूवीज में निकालता हूँ और मूवीज देखता हूँ मैं। तो यही सपना है कि अगर आपको भी ऑस्कर लेके आना है, जैसे मुझे भी ऑस्कर में आज सपना है, कि हर एक्टर का सपना रहता है कि वो अपने इंडिया के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर लेके आए, जैसे क्रिकेटर का सपना रहता है कि वो अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीते। तो मेरा भी सपना है ऑस्कर लेके आने का, तो उसकी पूरी तरह से तैयारी चालू कर दिया है मैंने। तो बाहर थोड़ा लोगों से मिलने के लिए थोड़ा कम जाता हूँ मैं, ज़्यादा कोशिश रहता है कि ज़्यादा करके मूवीज़ एक से एक मूवीज़, बहुत सारे मूवीज जिन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट मूवी जिन्हों जिनमें जो एक्टर लोगों ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, तो एक ही बार में देखे कुछ समझ में आता नहीं। जब तक आप 3-4 बार उस मूवी को ना देख लो, पूरा निचोड़ ना डालो, तो आपको समझ में नहीं आता कि यार सीन कैसा बना हुआ है, कैसे क्या इन्होंने किया, कैसे क्या सीन बैठा हुआ है, ये सीन कैसे किया है। तो ऐसे ही मूवी देख रहा हूँ, तो बहुत सारे, एक ही मूवी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे मूवी आप सर्च करोगे तो बहुत सारे मूवी मिलेंगे जिनको, जिनमें काम करने वाले एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। तो यही सपना है, जब आप बड़ा सोचते हो तो अपने माइंड आपके तरफ ऐसे काम करने लग जाता है। तो वही सब बेस्ट एक्टर के मूवीज देख रहा हूं मैं। तो आज 5वां दिन है, देखते हैं अभी। तो 2-3 मूवी डाउनलोड करके तो रखा हुआ हूँ, तो वो देखना चालू कर दूंगा। कुछ 2-2.5-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मैं एक ही मूवी एक बार नहीं देख पाता हूँ, सच बता दूं आपको। तो कम से कम मुझे एक मूवी देखने के लिए 2-2.5 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटा, सॉरी, 2-2.5 दिन लगते हैं एक मूवी देखने, क्योंकि मैं देखता हूँ फिर उसके बारे में सोचता हूँ यार सीन उन्होंने कैसे किया, ये सीन कैसे किया उन्होंने, फिर देखता हूँ आगे का, फिर देखता हूँ यार ये सीन कैसे किया उन्होंने। तो बहुत कम ही मूवी जो मैं एक ही बार में देख लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादा करके मैं 2-2.5 घंटे लगते हैं, 2-2.5 दिन लगते हैं मुझे, पूरा रिसर्च कर रहे हैं कैसे ये सीन कैसे बैठा हुआ है, अरे यार सीन कैसे किया इन्होंने। तो देखते हैं, तो अभी कुछ 12-12:30 बज रहे हैं, तो उसके बाद फिर 4-4:30 बजे शायद निकल जाऊंगा कुछ देखने के लिए बाहर, तब तक तो मूवीज देखते रहूंगा। तो चलते हैं, तैयारी करते हैं ऑस्कर लेके आने के लिए इंडिया के लिए, वो भी बेस्ट एक्टर का। तो चलते हैं अभी नहाने के लिए, और फिर नहा के निकल जाएंगे ऑडिशन देखने के लिए। तो नहा धो के फ्रेश हो चुका हूं, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से। तो आज सुबह से 1-1.5 मूवी खत्म कर दिया है मैंने, तो अच्छा लगता है मूवी देखना, जो हॉलीवुड एक्टर्स है जो उन्होंने ऑस्कर जीता है, तो मजा आ जाता है देख के उन्हें। तो अभी चलते हैं, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स मिलते हैं, अभी कुछ 4:30 के आसपास बजने के लिए आ चुका है, तो 2-3 घंटे तो बचे हुए शाम होने के लिए, तो तब तक तो मिल ही जाऊंगा बहुत सारे लोगों से। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर, तो निकलते हैं। ऑडिशन देखने के लिए निकल आया हूँ, तो चलते हैं और मिलते हैं फिर, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है।
तो चलते हैं फिर। तो एक ऑडिशन आ चुका है बनाने के लिए, तो घर पे आ चुका हूँ, तो फटाफट से प्रिपेयर करता हूँ और ऑडिशन बना के भेज देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या रिप्लाई आता है। तो पहले ऑडिशन बना लेता हूँ। तो यही ऑडिशन था, कुछ खास था नहीं, तो थोड़ा रिएक्शन देना था, देखना था। तो वो एक शब्द वो लाइन बोलता है, तो उसके बाजू वाले को देखता है, तो वो कुछ बोलता है, तो उसको थोड़ा रिएक्शन देना था। और अलग कुछ डायलॉग मैं बता नहीं सकता, अगर बता दिया तो अच्छा नहीं रहेगा, तो वही सब रहता है। तो ये है वो वीडियो। देख के हो चुका है, लेकिन अभी तो मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया है, तो थोड़ा सा दोस्त के मिलने के लिए आ चुका हूँ। तो यही था आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।